नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी आपका कोई लॉस हो जाता है एक दिन, तो उसके बाद में हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है कि वो जो एक लॉस हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि मेंटली हो जाता है दिमाग में कि यार इतना अगर कल मिल जाए ना तो मैं एग्जिट कर दूंगा। यानी कि एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, किसी के पास लाख कैपिटल और उसने क्या किया कि वहाँ पे आज गलती किया कि कुछ भी, उसने 15,000 गंवा दिया। अगर वो नया है तो वो क्या सोचेगा कि दूसरे दिन आते ही एटलीस्ट मुझे वो 15,000 मिल जाए ना तो बहुत है। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट दिन अगर ट्रेड लेगा सही होगा, 5,000 भी मिलेगा ना तो वो नहीं लेगा प्रॉफिट, और वो फिर एंड में फिर से 3-4,000 लॉस करके एग्जिट करेगा। तो आपका पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए कि एक फ्रेश ज़ीरो, कल जैसे थर्सडे स्टार्ट होता है तो जैसे आज मेरा लॉस हुआ है तो मैं क्या करूँगा, कल जैसे मेरा फ्रेश माइंड से ओ यहाँ पे चार्ट को रीड करूँगा, वेट करूँगा, आज जो गलती किया कल नहीं दोहराऊँगा। और आज क्या था कि पहला 15 मिनट को मैंने वहाँ पे मॉनिटर नहीं किया और उसके बाद में मैं सीधा एंटर कर गया था, वो मेरी गलती थी। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं पहले से लॉस में था, क्योंकि मैंने कल पुट शॉर्ट किया था। तो मेरा आज का जो लॉस है क्या है कि मैंने जो पुट शॉर्ट किया था 345 के आसपास का शॉर्ट है मेरा, वो वहाँ पे 140 लो लगाया, यानी कि वहाँ पे मुझे 200 पॉइंट मिल रहे थे, वो 200 पॉइंट को मैंने नहीं लिया है। आज जो इसने क्लोज किया है करीबन 280, ओवरऑल ग्रीन में है, पर अगर डेली का देखें बजाज फाइनेंस में एक और ICICI बैंक, ये दो में मुझे लॉस हुआ था, अदानी में प्रॉफिट हुआ था। कह सकते हैं कि हाँ एक आज लॉस है, पर एक माइंड सेट के साथ चलूँगा कि मुझे वो नहीं है कि मुझे आज का लॉस कल कवर करना है, मैं फिर से जो मेरा हर रोज़ का प्रैक्टिस रहता है उस हिसाब से कल ट्रेड करूँगा। तो आपको भी एक ध्यान में रखना है, कभी भी लॉस होता है तो दिमाग में नहीं लेने का, खाली लिख दिया करो कि हाँ क्या गलती था, नेक्स्ट दिन फिर से जीरो से स्टार्ट करो और जितना भी प्रॉफिट मिले, थोड़ा मिले तो थोड़ा भी एक साइड ले लो। तो क्या होगा कि एक नेक्स्ट जब आप फ्राइडे एंटर करोगे तो आपके माइंड में क्या होगा, मुझे पहला प्रॉफिट हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा होगा कि हाँ जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही हो रहा है। वो गलती मत करना कि पूरा रिकवर करना है, भगवान ने दे दिया तो बात अलग है, पर ट्राई करना कि क्लोज ग्रीन में करना चाहिए हमें। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं हम कल का एक्सपायरी का कैसे प्रिपेरेशन करना है। डेली चार्ट में हमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वीकनेस दिखाई दे रही है, आज भी हम काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपन हुए 200 के आसपास, और जहाँ से हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ से हम फॉल किया। यहाँ पे ये नोटिस करना है, अभी सब जगह आप देखोगे ना तो सबको बेरिश दिख रहा है, आपके लिए ये लेवल है वो ध्यान में रखना है कि ये जो 85 से 90 का लेवल है उसी के आसपास अगर ये कैंडल जो क्लोज हुई है इस जगह पे होती ना तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बोलता कि कल खुलते ही शॉर्ट कर दो। पर जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर यहाँ पे कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है ना 155 या 160 के ऊपर, आज जिन्होंने शॉर्ट किया है वो ट्रैप होंगे और मार्केट आपको कल डेफिनेटली 250 लेके जाएगा। पर 15 मिनट को इग्नोर मत करना, पहले 15 मिनट को। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट देखना है कहाँ पे ओपनिंग होती है, 160 के ऊपर बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कल का ओपनिंग। और दूसरा हमें बैंक निफ्टी में क्या है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें एक बेरिश इंगल्फिंग दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट के पास है। आज भी हमें 720 के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है, थोड़ा ही पॉइंट है पर ऊपर क्लोज दिया है। इसमें क्या होगा, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी 900 के ऊपर 200 पॉइंट, और फिर 905 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा, वापस आपको ये 43200 के आसपास लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक काफ़ी अच्छा सा मूव मिल सकता है, तो वो हम आगे इंट्राडे में जो हमारा चार्ट है रीडिंग वहाँ पे हम उसको देखेंगे कि हमें अगर कॉल और पुट लेना है तो हमें कौन से लेवल से लेना है। यहाँ पे ये हमारा ट्रेंड लाइन भी है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारा टारगेट आएगा 43560 के आसपास। तो हमारा जो स्टॉक है, मैंने आज भी बजाज फाइनेंस को कैरी किया है। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इनसाइड बार कैंडल है उसके नीचे हमें शॉर्ट करना है। अब मैं जो ट्रेड लूँगा ये वेट करके लूँगा, 5837 के नीचे ही शॉर्ट करूँगा। आज भी मेरा ये गलती था कि मैंने यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं होने दिया
और मैं पहले एंटर कर गया था करीबन 55 के आसपास, तो 6 या 10 पॉइंट गिरा था, फिर वापस से रिवर्सल आ गया और मेरा 65 पे SL हिट हुआ था। अब यहाँ पे हमें 37 जैसे ब्रेक करेगा मैं एंटर करूँगा वापस। अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, छोटा क्वांटिटी में एंटर करूँगा पर स्टॉप लॉस में थोड़ा बड़ा रखूँगा 50-60 पॉइंट का, और मेरा टारगेट फिर यहाँ पे रहेगा 5700 का। जो है HCL टाइप हमने कल डिस्कस किया था तो इसने भी काफ़ी अच्छा सा आज हमको मोह दिया है। अभी भी यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है 1152 के आसपास, तो कल भी अगर ये फ्लैट ओपनिंग मिलता है 44 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा 52 के आसपास रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से फर्दर ऊपर जाएंगे। अगर ये गैप अप यहाँ पे इस लेवल पे होता है तो हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। अदानी पिछले 4 दिन से आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा वीक, यानी कि पूरा दिन छोटे दायरे यानी अब विप्स दोनों साइड मिल रहा है, पर क्लोजिंग जो होता है बहुत ही यहाँ पे नैरो रेंज में होता है, जहाँ पे ओपनिंग होती है उसी के आसपास हो जाती है। आज का जो कैंडल है बेरिश कैंडल है, इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है कहीं पे 34.56 के ऊपर और 5 मिनट का कैंडल 34.63 के ऊपर मिल जाता है तो हम बाय करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 53.33 के लिए। नीचे में शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट के लिए 34.20 का वेट करेंगे, 34.20 ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट करेंगे फॉर टारगेट 32.70 के लिए। ग्लोबल क्यूज की अगर बात करते हैं तो अभी के हिसाब से यहाँ पे डाउ जोन्स -120 पॉइंट है, हमारा SGX निफ्टी 80 पॉइंट दिखाई दे रहा है, डॉलर एक्स इंडेक्स 102, US डॉलर का जो बॉन्ड डील है वो 3.58 है, क्रूड ऑयल 58 के आसपास किया हुआ है, इसने ये जो W पैटर्न था वो कंप्लीट कर दिया है। और अभी यहाँ पे हमें वेट करना है, देखना है कि यहाँ पे ये लेवल जो कैंडल है उसके नीचे ट्रेड करता है तो हम एक बार फिर से नीचे की साइड आएंगे तो ये क्या होगा एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में ट्रेड करने लगेगा। USDINR 81.58 है, ये ट्रेंड लाइन से इसने भी रिजेक्शन लिया है, अगर ये भी यहाँ पे ये लो ब्रेक करता है तो वापस नया लो बना सकता है। अब की बार जो लो आएगा वो आएगा करीबन 80.50 के आसपास। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं, जो हमने कल यहाँ पे देखा था कि 18,100 पे दोनों साइड 1 करोड़ 15 लाख के आसपास यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट दिखा था, आज क्या हुआ है पुट की साइड से एग्जिट हुआ है 5 लाख के आसपास और कॉल की साइड और यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नीचे में देखेंगे तो बहुत नीचे यानी कि इन द मनी शॉर्ट इतना दिखाई नहीं दे रहा है पर अभी भी 18,000 पे 28 लाख है, और पुट की साइड हमें इन द मनी में इतना कोई भी जगह शॉर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये बिल्डअप यहाँ पे होता यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और जब व्यू एक साइड हो जाता है 80 या 90% वन साइड डाउन का तो मार्केट ऑपोजिट ट्रेड करता है और वो हमने काफ़ी बार देखा भी है। तो कल मेरा व्यू रहेगा क्या, मैं शॉर्ट साइड की साइड ट्रेड करूंगा छोटी क्वांटिटी से और नॉर्मल में ट्रेड करूंगा लॉन्ग साइड, यानी अभी जो मेरा ओपन है उसी को मैं फिर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। कल हमें नोटिस क्या करना है 18,100 का यहाँ पे कॉल, और पुट जो हमें ध्यान में रखना है वो है 18,200 का, इसको मैं नहीं दे रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है। ये जो 31 लाख है यहाँ पे अगर 50 लाख हो जाता है तो आपका दिन में एक बार बाउंस आएगा 18,200 आपको लेके जाएगा, तब आपको वहाँ पे अच्छा सा क्या मिलेगा हीरो जीरो मिलेगा, 18,100 का कॉल आप बाय कर सकोगे। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ 2nd फेब का डेटा, तो आप जो यहाँ पे दूसरी चीज़ देख रहे हो कि 2nd फेब का जो डेटा है उसको आप देखोगे तो पुट की साइड आपको इन द मनी शॉर्ट ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू कॉल साइड, यानी कि कल का एक्सपायरी और उसे एक वीक का एक्सपायरी में काफ़ी डिफरेंस है। अभी यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 18,100, यहाँ पे कौन सा है 18,200, 100 पॉइंट का ही है यहाँ पे डिफरेंस, पर यहाँ पे आप देखोगे तो इन द मनी 50% आज शॉर्ट हुआ है, तो हमें जो मॉनिटर करना है फेब्रुआरी का 18,200 का पुट ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा सा पैसा मिल सकता है, तो इस हिसाब से ध्यान में रखना। ये चीज़ अगर यहाँ पे इन द मनी होता 5 लाख तो यहाँ पे हमें दोनों साइड न्यूट्रल था, यहाँ पे ओनली 1,82,000 है, तो उस हिसाब से हमें दोनों कल डेटा देखना पड़ेगा। पहला तो यहाँ पे जैसे हम ये चार्ट में देखेंगे तो हमें कोई इतना थोड़ा क्लियर नहीं मिल रहा है, हम करेंगे क्या एक 1 आवर का चार्ट देख लेंगे। तो 1 आवर का चार्ट जैसे ही हम रखते हैं तो हमें एक चीज़ क्या नोटिस हो रही है, एक तो ये आपको नीचे से ट्रेंड लाइन दिखेगी
इस लेवल से, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पर मुझे जो यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये वाला ले पूरा। आपको अभी कंसोलिडेशन जोन आ गया पिछले 18 से अभी तक का, यहाँ पे आप देखोगे तो एक नैरो रेंज में, ऊपर में 186, नीचे में 1866, 120 पॉइंट्स में यहाँ पे 5 दिन में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट कैंडल देखेंगे तो वीक कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो ये कैंडल बना नेक्स्ट दूजी कैंडल, उसको एंगल करके नीचे यहाँ पे क्लोज दिया है। ये लेवल अगर निकल जाता है 90 के नीचे, यहाँ पे सस्टेन करने लगता है और एक गिरावट आ सकती है जो आपको यहाँ पे पहले 66 सपोर्ट के पास लाएगी। ये बार अब अगर इस बार इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे 17,900 फिर नेक्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है 18,065। ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट कब होगा, जब ये कैंडल है ओपन इक्वल टू हाई है 18,154, सो 155 के ऊपर यहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन कर जाता है, शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दो लेवल ध्यान में रखना है आपको कल के लिए, नीचे में 65, ऊपर में 155। मैं इसको वापस कर देता हूँ 15 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉ करके रख देंगे तो हमें कल पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल से ध्यान में रखना है। ओके, ये आ गया, अब ये बॉक्स को हम निकाल देंगे। तो ये दो लेवल है हमारे कल के लिए ट्रेड के लिए, बीच में है तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम। तो बैंक निफ्टी में हमारा सजेशन क्या था कल, कि ये जो बॉक्स है वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, और शॉर्ट कब करना है हमें कि जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन क्या था कि ऐसे करके ये वापस जहाँ पे यहाँ पे अब रिजेक्शन आता है तब हम शॉर्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 476 और उसके बाद में यहाँ पे 264, इस हिसाब से बनेगा, तब आपका जो शॉर्ट बनेगा वो शॉर्ट बनेगा ये लेवल के नीचे। तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, ये लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट करेंगे, हम बाय करेंगे 42,500 का पुट बाय करेंगे। ऊपर की साइड क्या ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे जब तक ये 835 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है हम इसमें बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक लेवल ड्रॉ कर देंगे, काम करते हैं हम यहाँ पे ये कैंडल, ओके ये लेवल के बाद में ही एंटर करेंगे। तो ऊपर में 840 और नीचे में हमारा 621, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 43,000 का आप हीरो ज़ीरो भी ले सकते हो, या तो फिर 42,800 का कॉल बाय करोगे, एग्जिट करोगे हाफ 43,000। शॉर्ट में आप लंबा टारगेट के बैठ सकते हो, ऊपर में क्या होगा रेजिस्टेंस है और सेलिंग भी काफ़ी आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग आया तो 43,50 के ऊपर आएगा शॉर्ट कवरिंग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।